जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो सावर मंत्र मैं आपको बताऊंगा, वो एक वशीकरण सावर मंत्र है। और ये सावर मंत्र इतना तीव्र और तीक्ष्ण सावर मंत्र है कि इसका प्रभाव आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह के अंदर ही आपको इसका प्रभाव देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक जो मैंने साबर मंत्र आपको बताए हैं, उन साबर मंत्रों में थोड़ा प्रभाव जो होता है वो कुछ टाइम बाद आता है। लेकिन ये जो साबर मंत्र है, ये साबर मंत्र इतना तीव्र है कि इसका प्रभाव एक सप्ताह के अंदर ही आपको ठीक प्रकार से मिल जाता है। बशर्ते कि आपने जो साधना की है, जो सावर मंत्र की आप सिद्धि करेंगे, वो सावर मंत्र की सिद्धि आपने ठीक प्रकार से की हो। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम साधना तो कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा साधना करने का मन नहीं होता है। क्योंकि जो मंत्र से संबंधित या साधना से संबंधित जो देवता होते हैं, वो आपको साधना मार्ग से विचलित कर देते हैं, आपके मन को हटा देते हैं, और उस स्थिति में आप अपनी साधना के प्रति विश्वास खो देंगे या फिर भाव खो देंगे, कुछ ऐसा इस प्रकार से हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपका मन स्थिर रहे और साधना ठीक प्रकार से हो। अब होगा क्या कि आपने मंत्र जाप तो पूरा कर लिया, लेकिन जो मंत्र जाप आपने किया है उसकी सिद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है। तो अब आप मंत्र प्रयोग करेंगे, जब आप मंत्र प्रयोग करेंगे तो वो कार्य नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या सोचेंगे कि जो मंत्र है या तो वो गलत है या बताने वाला गलत है। अपने बारे में कभी नहीं सोचेंगे कि मैं करने वाला भी गलत हूं। जहां अगर आपको असफलता मिलती है ना, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई गलती है। तो इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान रखना। जो वशीकरण होता है, वशीकरण का मतलब क्या है कि वशीकरण का मतलब है कि अपनी किसी भी प्रकार की लाज शर्म को छोड़ करके कोई व्यक्ति या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, आपके अधीन हो जाता है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही वो करेगा, बिल्कुल वैसा ही करेगा वो। आपकी बात को वो टाल ही नहीं सकता है। वो जो स्थिति होती है वो संपूर्ण वशीकरण की स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति की। अब ये जो वशीकरण मंत्र है, ये वशीकरण मंत्र इसी प्रकार का है कि बिल्कुल संपूर्ण रूप से वो आपके वश में हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात फिर भी आपसे कहूँगा कि आप अनैतिक कार्यों के लिए आप मंत्र का इस्तेमाल ना करें। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि जी आपने मंत्र दिया ही क्यों फिर, कि जब हम अनैतिक कार्य, मतलब कि ये आप सोच रहे हैं, कुछ इस प्रकार के लोग हैं कि जो सोचते हैं कि केवल स्त्री के ऊपर ही वशीकरण प्रयोग करना सही है। ये उनकी थ्योरी है कि आपने दिया ही क्यों, अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर इस मंत्र का मतलब क्या है। तो मंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप किसी स्त्री को ही वशीभूत करें और उसका अनाचार तरीके से लाभ उठाएं। केवल वशीकरण का ये मतलब नहीं होता है। अगर आप सच्चाई की दृष्टि से देखो तो आपका कोई विशेष कार्य, जैसे कि कहीं अधिकारी से कोई कार्य फंसा हुआ है, कोई शत्रु है जो बहुत ज़्यादा शत्रुता करता है, कोई अपने घर परिवार का है कि जो आपका शत्रु बन चुका है, आपके विरुद्ध ही चलता है, तो ऐसी स्थिति में प्रयोग करते हैं तो वो ठीक है कि वो आपके मतलब समर्पण में हो करके, और वो आपकी जो आप कहें उसी प्रकार से वो कार्य करे। या आप कहीं दूसरी जगह अपना कार्य निकलवाना चाहते हैं, वो उस स्थिति में ठीक है। लेकिन अब उस स्थिति में गलत है कि आप किसी स्त्री के ऊपर करें और उसका अनैतिक तरीके से लाभ उठाएं, वो गलत है। क्योंकि धर्म और नियम
सामाजिक दृष्टि से सही होने चाहिए। खैर, जो लोग इस प्रकार का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तो मंत्र भी उनके प्रति काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आपको इस मंत्र का सही तरीका मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको इसे सिद्ध करना है। और सिद्ध करने का भी एक बहुत सरल तरीका है। देखिए, आप किसी भी शनिवार के दिन इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। अब शनिवार के दिन चाहे आप शाम को करें या सुबह को करें या फिर रात्रि में करें। अब अगर मेरा विचार मानो तो अगर रात्रि में करो तो अच्छा है। शनिवार की रात्रि में एकांत स्थान में, चाहे आपके घर के अंदर हो चाहे कहीं पर भी हो, एकांत होना चाहिए, क्योंकि साधना हमेशा एकांत स्थान में ही की जाती है। स्नान आदि कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और जो आपकी चौकी है चौकी पर आप किसी भी प्रकार का वस्त्र बिछा लें, आसन किसी भी प्रकार का लगा लें, चाहे आपका लाल रंग का आसन हो, पीला हो, कैसा भी हो, जो भी आसन आपके पास है उसी आसन पर बैठ करके आप साधना कर सकते हैं। वस्त्र आप कैसे भी धारण करें, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी दिशा की तरफ आप मुख करके जाप करें, इसके में भी कोई विधान नहीं है इसका। अगर करें तो पूर्व, उत्तर या पश्चिम की तरफ कर सकते हैं, दक्षिण की तरफ ना करें तो अच्छा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सामने एक दीपक जला दें। ठीक है, और दीपक आप घी का जलाएं। चौकी पर एक दीपक जला दें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला दें, अपने गुरुजी की तस्वीर रखें और एक भगवान शिव की तस्वीर जरूर रखें। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको आसन पर बैठ करके और अपने गुरु का पूजन करना है। अब गुरु का पूजन आप कैसे करते हैं, जो आप रोजमर्रा जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप अपने गुरु का पूजन कर सकते हैं, और गुरु जी से आशीर्वाद लें और उनसे आज्ञा जरूर लें कि मैं ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। जब आप गुरु जी से आज्ञा ले लें तो एक माला मंत्र का, कम से कम एक माला का आप जाप अपने गुरु मंत्र का जरूर करें। अगर आपके गुरु भगवान शिव हैं तो फिर भगवान शिव का आपको पूजन करना है। वो धूप से, दीप से, फूल से, जैसे भी आपकी इच्छा हो, सिंदूर का टीका लगाएं, जैसे भी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप अपने गुरु का पूजन करें, अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा गुरु कोई भी नहीं हो सकता है। स्वयं महाकाल हैं, सारी शक्तियाँ उनके संरक्षण में हैं, तो इसलिए उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। और जब वही गुरु हैं तो वही रक्षा करने वाले हैं, तो फिर भाई किसी की मजाल नहीं कि कोई आपको टच भी कर जाए। तो देखिए, भगवान शिव का गुरु के रूप में पूजन करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो मैं आपको एक विशेष बात और बता देना चाहता हूं इसमें कि ये एक साबर मंत्र है, और साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से सिद्ध माला की आपको जरूरत पड़ेगी। और आप अगर ऐसी माला आपको चाहिए रुद्राक्ष की तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, और व्हाट्सएप करके आप ये सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। तो उस माला से आपको जाप करना है मंत्र का, और देखिए आप उस माला से कितने भी सावर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसको ना ही आपको उस माला को कहीं जल में प्रवाहित करना है, उसको अपने पास ही रखना है सदैव। अब जब आप इतना कार्य कर लेंगे, पहले गुरु का पूजन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको 21 बार मंत्र का जाप करना है, जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है। क्योंकि किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध करने से पहले अगर आप सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का आप जाप करते हैं तो
आप जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं वो मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाता है, ज़्यादा विघ्न साधना में नहीं आते हैं, ये परफेक्ट है। तो इसलिए 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप जरूर करें। और वो जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाओ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप जरूर करें। और देखिए, ये जो क्रिया मैंने आपको बताई है शुरू से, ये क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है, यहाँ तक ये प्रतिदिन ही आपको करना है। और जो माला है आपकी रुद्राक्ष की, उस माला को चौकी पर ही रख दें और फिर अपनी उस माला का पूजन करें, माला का पूजन करें, और माला का पूजन करके हाथ जोड़ के माला से प्रार्थना करें कि आप मुझे बीच में धोखा नहीं देना, आप बीच में नहीं टूटना, और जो मैं मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ उस मंत्र को सिद्धि में मेरी सहायक बनना। माला से प्रार्थना करके, हाथ जोड़ करके, और फिर माला को आप उठा लें। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, कामरू देश कामाख्या देवी, तहां बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी, फूल बिने लोना चमारी, जो इस फूल की सूंघे बास, तिसका जीव हमारे पास, घर छोड़े आंगन छोड़े, लोक कुटुंब की लज्जा छोड़े, दुहाई लोना चमारी की, दुहाई धनंतर की छू। तो देखिए, ये जो मंत्र है जब आप इसकी साधना करेंगे तो आपको केवल यही मंत्र बोलना है और इतना ही मंत्र बोलना है। और प्रतिदिन आपको दो माला का जाप करना है, दो माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है, और ये लगातार 31 दिन तक करना है। अब देखिए, कुछ लोग इसमें ये कहेंगे कि जी मैं 31 दिन साधना नहीं कर सकता, मैं कम दिन करना चाहता हूँ। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपको माला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जो कि टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि दो माला का जाप करने में आपको कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, आधा घंटे से ऊपर लगेगा, क्योंकि मंत्र बड़ा है, तो इसलिए आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि 15 मिनट में आप एक माला कर पाएंगे इसकी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी साधना भी होती रहे और धीरे धीरे होती रहे, क्योंकि साधना में मैं आपको बता देता हूँ कि कम दिन की करने से जो आप ज़्यादा दिन की साधना करते हैं उसका विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि आप ज़्यादा दिन उस साधना में रत रहते हैं, तो इसलिए उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए 31 दिन की ही आप साधना करें ये, और दो माला का जाप प्रतिदिन करें। और देखिए, जब आप मंत्र जाप करें तो जो लोबान है ना, लोबान की ध्वनि जो है वो जलती रहे, मतलब कि एक या तो कोयले ले लें या कोई भी अंगारी ले लें, वो एक मिट्टी के कसोरे में ले लेना, जो मिट्टी का कसोरा होता है वो ले लेना, और उसमें जो आपके कोयले हैं कोयले को दहका करके और उसमें रख देना, और उसके ऊपर थोड़ी सी लोबान डाल देना, और फिर मंत्र जाप शुरू कर देना, ठीक है। अगर बीच में लोबान का धुआं उठना बंद हो जाए, थोड़ा कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो थोड़ी सी लोबान उठा करके और डाल दें उस पर, तो इससे क्या होगा कि ध्वनि आपकी चलती रहेगी और मंत्र जाप आपका होता रहेगा। और देखिए, 31 दिन के बाद ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब इसका आप प्रयोग करोगे तो मैं आपको प्रयोग का तरीका भी बता देता हूँ कि जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो तो एक फूल ले लें, कोई भी फूल हो, वो फूल आप ले लें,
और उस फूल पर 7 बार आपको मंत्र पढ़ना है। लेकिन जहां पे मैंने मंत्र का लास्ट है, जहां पर मैंने बोला है दुहाई धनंतर की छू, उस छू के बाद में आपको उस व्यक्ति का या स्त्री का जो भी है उसका नाम आपको बोलना है। आप जब मंत्र की सिद्धि करेंगे तब आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोलना है। तब तो मैंने जितना मंत्र बताया है केवल उतना ही आपको जपना है। लेकिन जब आप प्रयोग करेंगे तो छू के बाद में उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना है जिस व्यक्ति पर आप ये प्रयोग कर रहे हो। तो 7 बार मंत्र पढ़ करके उस फूल पर आप फूंक मार दें एक, और उसके बाद जिस व्यक्ति को भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिस व्यक्ति को भी ये फूल दे दिया जाएगा और उसने अगर इस फूल को सूंघ लिया, उसने अगर इस फूल की जो सुगंध है उसको सूंघ लिया, तो उसके सूंघने के तुरंत बाद ही उस पर वशीकरण का प्रभाव हो जाएगा और बहुत तीव्रता के साथ होगा वो वशीकरण का प्रभाव। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, साबर मंत्रों का एक विशेष नियम है, जितना ज़्यादा साबर मंत्र को रटा जाएगा, जितना ज़्यादा साबर मंत्र का जाप किया जाएगा, उतनी ही साबर मंत्र में तीव्रता और प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। जितना कम जाप होगा उतना ही साबर मंत्र कमज़ोर होगा प्रभाव में, ठीक है। और 31 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है, यम नियम के संपूर्ण सिद्धांत का पालन भी करना है कि आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से द्वेष नहीं रखना है, किसी से साथ झूठ वगैरह, मतलब कि आप एक जो आचरण है आपका वो शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध आचरण के साथ रहें और शुद्ध ही भोजन पाएं। क्योंकि आप शुद्धता के साथ, मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप शुद्ध भोजन लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए साधना में कभी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि आपने अगर भोजन शुद्ध नहीं लिया या सात्विक भोजन नहीं लिया तो हो सकता है कि आपका पेट खराब हो जाए, आपको गैस बनने लगे, तो उसमें क्या होगा कि आप मंत्र जप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सात्विक भोजन करें और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अब जब आप इस मंत्र पर इतना कार्य कर लेंगे और पवित्रता पर भी आप विशेष ध्यान रखेंगे तो मंत्र आपका 100% सिद्ध होगा ही होगा। अगर आपको साधना में भय लगता है, साधना करते टाइम आपको लगे कि आपके आसपास कुछ है, या फिर किसी भी तरीके से आप ये समझें कि भाई इस साधना में मुझको भय लग रहा है आगे, या इसमें कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, तो उस स्थिति में आप चाहें तो कोई भी रक्षा घेरा जो आपके पास है, जो आपने सिद्ध किया हो पहले से, वो रक्षा घेरे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जो 21 बार आपको जाप बताया है प्रतिदिन, अगर आप वो करेंगे तो फिर आपको ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से आपने किया ना तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।